हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल औरंग एजुकेशन। तो देखिए, फ्रैक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि आप स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना क्लास टू से, लेकिन क्लास टेन तक भी आपको समझ में नहीं आता कि आखिर ये फ्रैक्शन है क्या, इसकी एप्लीकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, बहुत सारी टर्म्स मैंने अभी बता दी, लेकिन कुछ लोगों को क्लास टेन तक भी नहीं पता होता कि ये क्या होता है। ठीक है, तो आपके इस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, आपकी क्लास के जो क्वेश्चन है वो तो हमने करते रहते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसे वीडियोज भी बनाएंगे जैसे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, फ्रैक्शन के लिए इस वीडियो के अंदर अपने क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन आखिर होता क्या है, उसकी जो टर्म्स हैं कि कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं, कन्वर्जन पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का। ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज की वीडियो के बाद हो जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, जिसके बाद आपके दिमाग में कोई भी जो डाउट है इससे रिलेटेड नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज अ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं भाग या फिर अंश। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या, ए फ्रैक्शन इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ पार्ट ऑफ होल नंबर और अ रेशियो ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर अपने समझे कि क्या है, किसी चीज का एक पार्ट को अगर डिफाइन करना हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक रोटी है, ठीक है, रोटी को मैंने आधा खा लिया, इसको मैथ की टर्म्स में कैसे शो करोगे, 1/2 मैंने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। अब यहां पर 1/2 के अंदर आप देखिए, ये जो डिनोट कर रहे हैं ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। ठीक है, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। बट यहां पर देखिए, द टॉप पार्ट कॉल्ड न्यूमरेटर, जो टॉप पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो बॉटम पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। द न्यूमरेटर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्ट बींग कंसिडर्ड। ठीक है, अब मान लीजिए रोटी के अंदर आपसे क्या पूछा गया, आपने आधी रोटी खा ली, ठीक है, तो बताओ इन द टर्म्स ऑफ मैथ्स कि आपने क्या पार्ट ऑफ रोटी खाई, है ना। तो यहां पर देखिए, रोटी के कितने पार्ट हुए थे, दो पार्ट हुए थे, उसमें से आपने कौन सा खाया, वन पार्ट खाया। सो 1/2 इज द फ्रैक्शन विच यू हैव कंज्यूम, ठीक है, जो आपने खा लिया। ठीक है, अगेन अगर पूछे कि कितना पार्ट जो है, जो रिमेनिंग है, वो भी क्या है, 1/2 ही है, है ना। तो यहां पर देखिए क्या कर रहा है, जो कंसीडर्ड पार्ट है वो आएगा न्यूमरेटर में, और जो टोटल पार्ट है, टोटल पार्ट मतलब 1 एंड 1, देखिए 1 ये है और 1 ये है, 1 + 1 2, तो टोटल पार्ट जो है वो कहां आता है, डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आ गया कि फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, ऊपर न्यूमरेटर में लिखे हुए पार्ट को कंसीडर कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन अ होल, फॉर एग्जांपल इन अ फ्रैक्शन 3/5 द न्यूमरेटर इज 3 एंड द डिनोमिनेटर इज 5, सो दिस फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द 3 out of 5 इक्वल पार्ट्स। मतलब अगर मान लीजिए वही रोटी को अगर मैंने क्या कर लिए, इसके पार्ट्स कर लिए मैंने 5 इक्वल पार्ट्स मैंने इसमें से कर लिए। अब उस 5 में से मैंने 3 पार्ट जो कंज्यूम कर लिए, तो आपसे यहाँ पर जो 3/5 क्या है, क्या बताएगा, यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा जो आपका पार्ट आप बता रहे हैं। नेक्स्ट अब बात करते थे कि एग्जांपल, अब आपने पिज्ज़ा खाया हुआ है, तो इसलिए मैं पिज्ज़ा का एग्जांपल ले रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये जो फास्ट फूड है काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ इसके टोटल कितने इक्वल पार्ट्स हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है, इस पिज्जा के मैंने कितने पार्ट कर लिए, 8 पार्ट कर लिए, जो कि हमेशा कहाँ आएंगे, डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि आपने मान लीजिए 1 पार्ट जो है खा लिया, ठीक है, सो विच पार्ट यू हैव ईटन, 1/8 ऑफ द पिज्जा यू हैव कंज्यूम। ठीक है, ये तो आपने लिया खा, उसके बाद आपसे पूछ रहे कि कितना पार्ट बचा,
आपके खाने के बाद में कितना पार्ट बचा। तो यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो 7 पार्ट बचा जो कि कंसिडर्ड पार्ट है, उसे अपने लिखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे टोटल पार्ट, मतलब टोटल पार्ट का कितना पार्ट आपने कंज्यूम किया, सॉरी बचा हुआ है जो कि 7 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए मान लीजिए मैंने 1, 2 और 3 पार्ट जो है मैंने खा लिए, ठीक है ये 3 इक्वल पार्ट जो है मैंने खा लिए, तो आपसे क्वेश्चन में आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट जो है वो आपको लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर मैं इसके 3 पीस जो है कंज्यूम कर लेता हूँ, खा लेता हूँ, तो रिमेनिंग पार्ट का जो फ्रैक्शन वैल्यू है आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के भेजिए। तो अब देखिए फ्रैक्शन की जो टर्म्स हैं वो क्या क्या, जो मेन टर्म्स होती हैं, सबसे पहले टर्म होती है आपकी न्यूमरेटर, देन होती है डिनोमिनेटर, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये सब आपको जो टर्म्स हैं इनकी अगर आपको नॉलेज आ गई तो आप ये मान लीजिए 95% जो क्वेश्चंस हैं आप फ्रैक्शंस के कर देंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होता है। द टॉप पार्ट ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द बॉटम पार्ट ऑफ द नंबर इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, देखिए मान लीजिए एक एप्पल है, ठीक है तो एप्पल बना नहीं रहा मैं, सिर्फ एप्पल लिख रहा हूं। ठीक है, इस एप्पल के मैंने क्या किए, 6 इक्वल पार्ट्स किए। ठीक है, तो उसमें से जो क्या किया, जो 2 पार्ट्स हैं वो क्या किया मैंने खा लिए। ठीक है, सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एप्पल आई हैव इट, मैंने कितना खाया, मैंने खाया कितना 2, टोटल कितना था 6। अब देखिए यहां से अपने इसको फर्दर सोल्व भी कर सकते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू में, 2 1 2 एंड 2 3 6, मतलब 1/3 पार्ट ऑफ द एप्पल जो कि मैंने खा लिया। ठीक है, ये मैंने क्या कर लिया, खा लिया। अब आपसे पूछेगा रिमेनिंग बचा कितना, मेरे पास बचा कितना, देखिए टोटल कितने पार्ट थे, 6 पार्ट थे, 2 मैंने खा लिए, इट मीन 6 - 2/6, डिनोमिनेटर में हमेशा आपका टोटल पार्ट आएगा, सो 6 - 2 4/6, 2 के टेबल से कट करते हैं 2 times 3 times, तो आपके पास बचा क्या 2/3 पार्ट आपके पास क्या है बच गया, जो कि आपके पास बचा हुआ है जो कि आपने अब तक खाया नहीं है। ठीक है, तो इस पार्ट को अपने बोलते हैं न्यूमरेटर, जिसे मैं डिनोट कर रहा हूं एन से, और इस पार्ट को अपने बोलते हैं डिनोमिनेटर जो कि है बॉटम में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर टॉप नंबर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, इन अदर वर्ड्स द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ अ होल नंबर दैट इज अ लेस देन इन होल यूनिट। ठीक है, अगेन देखिए आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं, यहां पर पिज्जा का एग्जांपल लेते हैं अपने। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या था, इस पिज्जा के मैंने कर लिए 8 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, अब 8 इक्वल पार्ट किए, जब मैं बोल रहा हूं कि मैंने कितने खा लिए, 4 पार्ट खा लिए, सो 4/8 पार्ट जो है मैंने कंज्यूम कर लिया। नाउ हियर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, आपको ये इक्वेशन हमेशा याद रखनी है, जहां पर न्यूमरेटर की वैल्यू हम डिनोमिनेटर से कम हो तो वो फ्रैक्शन आपका क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, माइंड में क्लियर रख लेना है, अगर ऊपर की वैल्यू छोटी नीचे की बड़ी, प्रॉपर फ्रैक्शन, खेल खत्म, उसके बाद आपको कुछ भी सोचना नहीं है। ठीक है, और उल्टे इसी का जस्ट उल्टा करेंगे तो डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, दैट किस केस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, दिमाग में आपके बस चलना चाहिए, यस न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब न्यूमरेटर बड़ा है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, सो प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ अ होल और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर इंस्टेंस 1/2 कैन बी रिप्रेजेंट हाफ ऑफ अ पिज्जा, 2/3 कैन बी रिप्रेजेंट द 2/3 ऑफ अ कप ऑफ मिल्क,
थ्री बाई फोर्थ कैन बी रिप्रेजेंट एज थ्री फोर्थ ऑफ अ माइल, ठीक है। मतलब अगर किसी होल चीज की, कंप्लीट चीज का एक पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए पूरा सेब था, सेब के एक पर्टिकुलर पार्ट की बात कर रहे हो, तो वो उसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। मिल्क का कंप्लीट कप है, कप में से आपने आधा पी लिया, टू थर्ड पी लिया, कुछ बचा, टोटल पार्ट में से कुछ बचा, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। अब अपने बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, जब आपका न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा हो तो वो आपका क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। बट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होल यूनिट, ठीक है, जो कि आपकी वन यूनिट से ज्यादा या उसके इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल 7/4, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैंने क्या किया, मेरे पास क्या थे, दो पिज्जा थे जिसके मैंने इक्वल पार्ट्स किए, कितने, 4/4। अब यहां पर देखिए मैंने कितने कंज्यूम किए, ऊपर तो वो कंसीडर्ड थी ना, कंसीडर्ड वैल्यू है, तो कितने पार्ट कंज्यूम किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। लेकिन एक के अंदर कितनी वैल्यू थी, एक के अंदर वैल्यू थी 4, ठीक है, जो कि मैंने क्या कर ली, 4 से ज्यादा कंज्यूम कर ली। मतलब एक तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, और उसके बाद 1, 2, 3, 3/4 जो पार्ट है मैंने दूसरे का भी कंज्यूम कर लिया। सो दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब अपने बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन की, कि मिक्स फ्रैक्शन आखिर क्या होता है। मिक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। मतलब ये किसका कॉम्बिनेशन है, एक आपका होल नंबर का और फ्रैक्शन का। इट्स ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट ए क्वांटिटी दैट इज नॉट अ होल नंबर बट इज ग्रेटर देन वन होल यूनिट। अब यहां पर देखिए क्या है, अगर मैं बात करूं 3 whole 1/2 की, ठीक है, मेरे पास कितनी थी, 4 रोटी थी या फिर 4 पिज्जा मान लो, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैंने क्या किया, 3 whole का मतलब 1, 2 एंड 3, 3 तो मैंने कंप्लीट कंज्यूम की, और जो फोर्थ वन थी इसका मैंने 1/2 पार्ट जो है इसका कंज्यूम कर लिया। सो इट मीन्स 3 whole and 1/2, ऐसे अपने इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर 3 इज द होल पार्ट एंड 1/2 इज द फ्रैक्शन। सो द मिक्स फ्रैक्शन रिप्रेजेंट 3 whole unit एंड 1/2 unit, ठीक है। अब यहां से देखिए अगर अपने बात करें, अब इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन के अंदर रिलेशन होता है, आप इम्प्रॉपर को मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो कन्वर्जन है उसका भी अपने सीखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। उससे पहले अपने बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। तो देखिए क्या है, एडिटिव इनवर्स इज अ कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स दैट रेफर्स टू अ द अपोजिट ऑफ अ नंबर। अब किसी नंबर का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं y की, तो देखिए y इज इक्वल टू इसका अपोजिट -y, ठीक है। अगर -y की बात करूं, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो जब इनको मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एवरी नंबर दैट हैज एडिटिव इनवर्स विच व्हेन एडेड टू द ओरिजिनल नंबर रिजल्ट इज 0, एंड दिस 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये 0 को अपने क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपको गिवन है एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 इज -5, बिकॉज 5 + -5 इज इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली -3 का अगर अपने बात करें एडिटिव इनवर्स की, तो ये आपके पास हो जाएगा +3 एंड इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी की तरह अगर अपने बात करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज अ कॉन्सेप्ट इन दैट द रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। अब रेसिप्रोकल की बात करूं, अगर मैं बात करूं 4/5 की, ठीक है, तो 4/5 का जो रेसिप्रोकल है वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा 5/4, ठीक है। इन अदर वर्ड्स एवरी नॉन जीरो नंबर हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब वो नंबर जो कि जीरो नहीं है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, विच व्हेन मल्टीप्लाई टू द ओरिजिनल नंबर रिजल्ट इज 1। अगर मैं 4/5 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, विच इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये आपकी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 इज 1/2। 2 की बात करें, 2 को मैं लिख सकता हूं 1/2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा,
वन बाय टू, और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, वन आएगा। सो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मतलब किसी नंबर को क्या कर देना, पलट देना, फ्लिप कर देना। सो टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर यू सिंप्लीफाई फ्लिप द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, फ्लिप कर देते हैं उनको, चेंज कर देते हैं, एंड दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब अपने बात करते हैं देखिए कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन क्या होता है, अब यहां पर देखिए अगर मैं बात करूं 27 बाय 5 की, तो इस केस के अंदर देखिए वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, आपका जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से, तो ये आपका सिंपली इम्प्रॉपर हो गया। ठीक है, अगर आपको ये नंबर देखते आपके दिमाग में ये घंटी बजी कि हाँ ये न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब आपके पास ये आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अगर आपको देखते ही पता लग गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इट मींस मैंने अब तक जितना पढ़ाया आपको समझ में आ गया और जो मेरी मेहनत है वो सफल हो गई। ठीक है, तो अब यहां पर इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं डिवाइड करता हूं 27 में 5 का। सो 5 5 जा देगी 5 6 जा होता है 30 विच इज ग्रेटर देन 27, तो मैं करूंगा 5 5 जा आपके पास 25, माइनस करने पर आया 2। ठीक है, अब इस केस के अंदर आपको क्या करना है, जो आपका क्वोशेंट होता है, ठीक है, सो क्वोशेंट इज द होल पार्ट, तो आप यहां पर लिखेंगे क्वोशेंट को 5, देन यहां पर आप लिखेंगे रिमाइंडर विच इज 2 एंड डिवाइडेड बाय जो आपका डिविजर है जो कि है 5। सो 5 होल 2 बाय 5 इज योर आंसर व्हेन यू कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 27 बाय 5 टू मिक्स नंबर। ठीक है, तो मैंने मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो आपके पास मैं एक और आपको क्वेश्चन देता हूं 28 बाय 6। ठीक है, ये जब आप करते हैं तो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन क्या आएगा, अगर आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। बात करते हैं मिक्स नंबर की। अब मिक्स नंबर को देखिए, पहले हमने क्या किया, इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट किया, अब मिक्स नंबर को हम इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास नंबर है, नीचे लिखते हैं देखिए 3 2 बाय 5। अब इसे मुझे कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में, तो कैसे करूंगा, सबसे पहले तो आपको होल नंबर में डिविजर का मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स 3 × 5 होता है आपके पास 15। जो नंबर आए आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो नंबर आएगा उसको हमें न्यूमरेटर में ऐड कर देना है, इट मींस 15 प्लस 2 डिवाइड बाय 5, इट मींस 17 बाय 5 इज द आंसर। ठीक है, सो यहां पर आपका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 17 बाय 5। सो आई होप आपको मेथड समझ में आ गया, ठीक है, कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। बहुत से बच्चों को कन्वर्जन भी नहीं आता कि इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपली आप इसको देख लीजिए, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करें। देखिए अब मेरे पास एक नंबर है, मान लीजिए 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर देखिए मैं एक बात करता हूं, मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है, अपने एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन से अगर इसकी बात करें, यहां पर अपने पास दो बॉक्स है, ठीक है, अब 1/3, 3 का मतलब टोटल इसके कितने पार्ट्स होंगे, 3 पार्ट्स होंगे, तो इसके 3 पार्ट्स हो गए। सो 1/3 इज रिप्रेजेंटिंग द ओनली दिस शेडेड पार्ट। समझ में आया। वहीं अगर मैं बात करूं कि यहां पर देखिए इसी सेम लेंथ का, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का बॉक्स था, तो सेमी लेंथ का बॉक्स था ये 10 सेंटीमीटर का, अब इसी बॉक्स के मैंने क्या किए, 4 पार्ट किए। ठीक है, तो अब ये जो पार्ट है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 1/4 पार्ट। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने, 4। अगर एक की बात कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/4 पार्ट। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यहां पर 1/3 बड़ा है या फिर 1/4 बड़ा है, तो आप फ्रैक्शन देख के नहीं बता सकते, लेकिन अगर आप डायग्राम देखेंगे कि सिमिलर थिंग्स, देखिए अगर आप मान लीजिए एक बिस्किट है, ठीक है, उस बिस्किट के एक तो आप करते हैं 3 इक्वल पार्ट्स और एक करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, बिस्किट के वे में समझिए कि आप 3 दोस्त हैं,
ठीक है, आपने थ्री इक्वल पार्ट्स किए खाली, उसके बाद आपका एक और फ्रेंड आ गया, आपको उसके चार इक्वल पार्ट करने पड़े, ठीक है, तो इट मीन्स आपको पहले से कम बिस्किट मिलेगा, ठीक है, मतलब सेम क्वांटिटी में से अगर पार्ट्स बढ़ेंगे तो आपको जो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, इट मीन्स 1/3 की वैल्यू यहां पर हमारे पास क्या है, ज्यादा है, ये आप देख के बता सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो अब इनका एडिशन करना है, अब एडिशन करने के लिए सिंपली इसके आपके पास दो तरीके हैं, सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है एलसीएम। अब एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 3 और 4 की, तो यहां पर एलसीएम आपके पास हो जाता है 12, ठीक है। तो अब आपको जो डिनोमिनेटर है वो 12 बनाना है, तो 12 बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर और नीचे 4 से, और यहां पर 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर और आपका न्यूमरेटर में 3 से, ठीक है। तो इस केस के अंदर ये आपके पास हो गया 4/12 प्लस ये हो गया आपके पास 3/12। अब आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, सिंपली आपको डिनोमिनेटर को कॉपी कर देना है 12, ठीक है, कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद में आपको सिंपली आपकी जो टर्म्स हैं एज इट इज लिख देनी है, 4 + 3 = 7/12, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका मेथड नंबर 1। अब मैं बात करूं मेथड 2 की, ठीक है, मेथड 2 अपने यहां पर कर देते हैं। तो मेथड 2 के अंदर सिंपली आपको क्या लिखना है, डिनोमिनेटर में आपका जो एलसीएम है वो लिख देना है, ठीक है। फिर जो फर्स्ट टर्म है उसके डिनोमिनेटर से इसको करना है डिवाइड, जब मैं 12 में 3 का डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्वेश्चन आता है 4, तो आपको न्यूमिनेटर से करना है सिंपली उसको मल्टीप्लाई, प्लस जब मैं 4 में डिवाइड करता हूं तो आपके पास क्वेश्चन आता है 3, सो 1 × 3, सो 4 + 3/12 इज इक्वल टू 7/12 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये जो मेथड 1 है ये आपका स्टार्टिंग में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, तो प्रैक्टिस के लिए आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब भी आपको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे आप हमेशा मेथड 2 का यूज कीजिए, इससे आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है करना, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, अब इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। अब वही सेम नंबर लेते हैं 1/3 - 1/4, ठीक है। अब 1/3 - 1/4 किया, सिंपली एलसीएम हमने पहले फाइंड कर ही लिया है, 12 होता है, तो मेथड थ्रू से अगर अपने करें तो सिंपली डिनोमिनेटर लिखेंगे, आपके पास 3 से डिवाइड करने पर क्वेश्चन आया कितना 4, सो 1 × 4 माइनस 4 से डिवाइड करने पर आया 3, ठीक है, तो 4 - 3/12 इज इक्वल टू 1/12 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो 1/12 इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए 1/2 - 1/5, अगर यहां पर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आपके पास आएगा 10, 2 से डिवाइड करने पर क्वेश्चन 5, सो 1 × 5 माइनस, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 × 2, सो 5 - 2/10 इज इक्वल टू 3/10 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट। अब आप कहेंगे सर आप तो बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं, देखिए अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट डेवलप्ड करने हैं, ठीक है, इसका आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ इंग्लिश से, अगर आपको इंग्लिश की स्पेलिंग सीखनी है तो सबसे पहले आपको ABCD सीखनी पड़ेगी, वैसे ही अगर मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझने हैं तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, हार्ड क्वेश्चन टफ क्वेश्चन आपके ईजिली हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन, अब मल्टीप्लाई कैसे करें, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास है 5/4 × 3/5, इनको मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, देखिए 5 × 5 कैंसिल हो गया और 1 × 3 3 एंड 1 × 4 4, ठीक है, एंड 3/4 इज योर आंसर। अपने एक और एग्जांपल लेते हैं 7/2 × 8/3, ठीक है, सो 2 1 = 2 2 4 = 8, तो यहां पर देखिए 7 × 4 / 1 × 3, 7 × 4 होता है 28, 1/3 1 × 3 होता है 3। अब यहां पर देखिए ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मिक्स नंबर में, तो कन्वर्ट कर देते हैं, देखिए 3 9 जा होता है आपके पास
27, माइनस का नंबर रिमाइंडर आया 1 और डिवीजर है आपके पास 3, आप इसको ये भी लिख सकते हैं 9 होल 1/3। सो एक और एग्जांपल मैं देता हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है कि इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन। अब डिवीजन की बात करें तो देखिए, अब यहां पर आपको लिखना है डिवीजन 4/5 डिवाइड बाय 5/4। अब ये आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड के केस में बिल्कुल सिंपलेस्ट वे आपको बताता हूं, सिंपली आपको चेंज कर देना इस साइन को मल्टीप्लाई से। ठीक है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखना है, बट जो डिवाइड के साइन के बाद जो टर्म है इसको आपको कर देना है फ्लिप रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, सो 4 × 4 16, 5 × 5 25। अब ये तो है आपका क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसे अपने कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अब यहां पर अपने एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, 9/8 डिवाइड बाय 3/7। सिंपली डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई से, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रहने देंगे और जो सेकंड टर्म है उसे हम क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, मतलब 7/3। सो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 7 = 21/8। अब ये है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको अपने कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। सो 8 × 2 = होता है आपके पास 16 और माइनस करने पर आपके पास आएगा 5, सो 5/8। इट मींस 2 whole 5/8 इज योर आंसर। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स जो है आपके जितने भी कॉन्सेप्ट थे फ्रैक्शंस के अंदर, जितनी भी टर्म्स थी आपने कंप्लीट कर दी है। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, तो ये सब जो है आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको फ्रैक्शन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, तो उस प्रॉपर पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।